दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपति रोमांच के सफर का दुखद अंत हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। टाइटन पनडुब्बी को ओशियन गेट अमेरिकी कंपनी ने निर्माण किया है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए क्रू समर्सिबल प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं ओशियन गेट टाइटन पनडुब्बी के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 10, 2021 में ओशियन गेट टाइटन पनडुब्बी में टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए भुगतान करने वाले पर्यटकों को ले जाना शुरू किया था। नंबर 9, 2022 तक टाइटैनिक जहाज के मलबे के लिए टाइटन पनडुब्बी अभियान पर एक यात्री होने की कीमत $2,50,000 प्रति व्यक्ति था, जो करीब 2 करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी में होती है। नंबर 8, टाइटन एक रिसर्च सर्वे और लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए कामों में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें पायलट सहित 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। नंबर 7, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी टाइटन पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 केजी था और यह पनडुब्बी 4,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। नंबर 6, टाइटन पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे थे, जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। नंबर 5, यह पनडुब्बी में प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। नंबर 4, टाइटन पनडुब्बी की चौड़ाई 2.8 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर थी। इसकी बाहरी सतह 5 इंच मोटी थी। नंबर 3, इस पनडुब्बी में अगले हिस्से में 380 mm की एक्रिलिक बीपोर्ट लगा हुआ है। इसके अलावा टाइटन पनडुब्बी के आगे ऊपरी हिस्से में कैमरे भी लगाए गए हैं। ये कैमरे पनडुब्बी के अंदर बैठे लोगों को शानदार व्यू दिखाते हैं। नंबर 2, टाइटन पनडुब्बी के अंदर कोई खिड़कियां नहीं है, जिससे हर 15 मिनट में एक सुरक्षा पिन उत्सर्जित होने की उम्मीद होती है। इसकी निगरानी ऊपर से वाच कर रहे दल द्वारा की जाती है। पनडुब्बी में ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम का अभाव है। नंबर 1, टाइटन पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।